हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरी न्यू वीडियो। आज के सीरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने मोबाइल में जो वीडियोस होते हैं, इमेजेस होते हैं, वो अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे किस तरह से जो है फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, और मैं भी ये वीडियो जो है मेरे मोबाइल में ही बना रहा हूँ, और मैं मोबाइल से किस तरह से जो मेरे लैपटॉप में ट्रांसफर करता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो आने वाला होता है उधर मैं एक पोस्ट जो है अपलोड कर लेता हूँ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफ। मैं इस चैनल में इसी तरह से टेक्निकल वीडियोस और नॉलेज वीडियोस जो है लाता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने मोबाइल टू लैपटॉप ट्रांसफर करने के लिए आपको इस तरह का केबल जो है लेना है, जो यूएसबी केबल होता है, चार्जर का यूएसबी केबल, कोई भी केबल आप ले सकते हैं। अगर आपका हाई क्वालिटी का थोड़ा केबल है तो आराम से जो एकदम स्पीड से जो है आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक यूएसबी केबल है, ये भी आपको दिख रहा होगा, एक यूएसबी केबल है और एक एंड जो है यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट दे दिया गया है। इस यूएसबी केबल को मैं मेरे लैपटॉप में कनेक्ट कर लेता हूँ। इस यूएसबी पोर्ट में आपको कनेक्ट करना है, जो यूएसबी पोर्ट्स होते हैं अपने लैपटॉप में उन पोर्ट्स में जो है आपको कनेक्ट करना है। इस तरह से कनेक्ट करने के बाद और एक एंड जो है आपको अपने मोबाइल में कनेक्ट करना है। मेरे मोबाइल को चार्जिंग पोर्ट कनेक्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको जाना है माई कंप्यूटर के अंदर। इसमें आप बाद में भी जा सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए जो है मैं इस ऑप्शन में आया हूँ। जैसे मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पर जो है मेरा मोबाइल दिख जाएगा। वन सेकेंड, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। जरा देख सकते हैं मेरा मोबाइल जो है यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही कनेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली फाइल जो है ट्रांसफर नहीं होता, इसके लिए आपको परमिशन देना पड़ता है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दे दिया जाता है, जैसे आप शटर नीचे करेंगे यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन जो है ट्रांसफर फाइल्स, सेकेंड ऑप्शन जो है यूएसबी से दरिंग, थर्ड ऑप्शन जो है MIDI ट्रांसफर इमेजेस चार्जिंग ओनली। ये सब ऑप्शन जो है अगर आपको खाली चार्जिंग करना है तो आपको यहाँ पे जो है ओनली चार्जिंग पे सिलेक्ट करना है। अगर आपको फाइल ट्रांसफर करना है तो आपको फाइल ट्रांसफर जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप यूएसबी टेथरिंग करेंगे तो आपका इंटरनेट जो है मोबाइल से शेयर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं फाइल ट्रांसफर पे ही रहने देता हूँ। ये फाइल ट्रांसफर मेरा एक्चुअली पहले से ही सेलेक्टेड था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें बहुत सारे बार जो है कनेक्ट किया है, इसलिए जो है मेरा डायरेक्टली फाइल ट्रांसफर ले रहा है। तो उसके बाद जो है इस गैलेक्सी J6 जो मेरा मोबाइल का दिखा रहा है इधर ऑप्शन, इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिया जाता है, एक जो होता है मेमोरी कार्ड और एक जो होता है फोन की मेमोरी। मैं फिलहाल फोन मेमोरी जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको कोई भी डाटा चाहिए, मतलब कुछ भी इमेज आपको कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे लेके जाना है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो इमेजेस दिख रहे हैं जहाँ पे भी आपके इमेजेस है, ये मेरे इमेजेस है। ओके, मैं कोई भी एक रैंडमली कॉपी कर लेता हूँ। जो भी आपको इमेज चाहिए, जो भी आपको वीडियोस चाहिए, उसके ऊपर आपको इस तरह से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना होगा। उसके बाद कॉपी, नेक्स्ट, इसको मिनिमाइज करके आपको जहाँ पे भी पेस्ट करना चाहते हो, डेस्कटॉप के ऊपर हो या डी ड्राइव ई ड्राइव, जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मुझे डेस्कटॉप पे चाहिए वो इमेज, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है और पेस्ट। इधर आप देख सकते हैं मेरा वो इमेज जो है मेरे डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका है। इस तरह से जो है बहुत आसान है, जो भी आपको फाइल चाहिए, इमेज चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए, वो आपको राइट क्लिक करके कॉपी करना है, बस आपके लैपटॉप के अंदर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। बहुत ही आसान है। और मैंने रिसेंटली जो वीडियो किया है वो मेरा DCIM इसके अंदर है। ऑलमोस्ट जो कैमरा में आपने जो इमेजेस लिए हुए हैं या वीडियोस लिए हुए हैं वो DCIM के अंदर रहता है, इस फोल्डर के अंदर। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। कैमरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने रिसेंटली वीडियो लिया है वो ये एक है और एक जो है ये वीडियो है। मुझे ये दो भी चाहिए। अगर आपको एक ही साथ में सेलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल प्रेस करके ही रखना है। अगर आपको मल्टी सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके रख के आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और कॉपी। कॉपी और कट में क्या डिफरेंस है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप कट पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो जो है मेरे मोबाइल में नहीं रहेगा, जहाँ पे भी आप पेस्ट करते हो वहाँ पे खाली रहेगा, मतलब डायरेक्टली मोबाइल से उठा के लैपटॉप में रहेगा। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो सेम इमेज जो है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे भी एक कॉपी रहेगा, आपके डेस्कटॉप के ऊपर भी एक कॉपी रहेगा। फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मेरे मोबाइल में अगर ये रहा तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कॉपी कर लिया, अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेता हूँ।
इस तरह से जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे वो पेस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल मुझे अभी मैं कंप्यूटर के अंदर ई ड्राइव के अंदर मुझे उसको पेस्ट करना है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यूट्यूब वीडियोस मतलब इस फोल्डर के अंदर मैं उसको पेस्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जो मैंने रिसेंटली मेरा वीडियो लिया हुआ है, उसको ओपन करना है, राइट क्लिक करके बस पेस्ट। बहुत ही आसान है, बस आपको मोबाइल कनेक्ट कर लेना है, जो फाइल ट्रांसफर ऑप्शन होता है उसको आपको एनेबल करना है, और जो आपको डाटा चाहिए उसको आपको कॉपी करके अपने डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट कर लेना है। और एक बार मैं मेरा मोबाइल जो है वो ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है फोन के अंदर। यहाँ पे आप डाउनलोड्स पे जाएंगे, जो भी आपने डाउनलोड किया है वो पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको बस याद रखना है कौन से फोल्डर पे जो है कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो यही था, बहुत ही बेसिक थिंग है, बस कॉपी करो और अपने लैपटॉप के ऊपर पेस्ट कर दो। इसी तरह से कोई भी फाइल हो, फोल्डर्स हो, कॉपी करके अपने लैपटॉप के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। सो आई होप आप जान गए होंगे किस तरह से जो है मोबाइल से लैपटॉप में फाइल ट्रांसफर किया जाता है। बहुत इजी है, बस आपको केबल कनेक्ट करना है और कॉपी पेस्ट करना है। बहुत इजी है यार, कोई भी इसको आराम से कर सकता है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।